बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की मोस्ट अवेटेड फिल्म फाइटर आज फाइनली सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इससे पहले फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ गया है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर फिल्म कैसी रही। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की एक्शन एंटरटेनर फिल्म फाइटर का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। फाइनली ये फिल्म आज सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। पठान फेम डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फाइटर को लेकर फैंस में इस कदर का क्रेज है कि इसे पहले दिन सिनेमा घरों में देखने के लिए जमकर एडवांस बुकिंग हुई है। वहीं इन सबके बीच फाइटर का पहला रिव्यू भी आ गया है, तो चलिए जानते हैं कि ये फिल्म आखिर थिएटर में जाकर देखने वाली है या फिर नहीं। आपको बता दें, इस फिल्म का फैंस लगभग साल भर से इंतजार कर रहे थे। जब ही पता चला कि ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी फिर से आने वाली है, उन दोनों के ही फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। फिर इसमें दीपिका पादुकोण का नाम जुड़ने के बाद एक्साइटमेंट लेवल फैंस का और भी बढ़ गया। फिल्म की अनाउंसमेंट, फिर टीजर और उसके बाद ट्रेलर देखने के बाद कोई भी फैंस सिनेमा घर में जाकर ये फिल्म देखने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। हर कोई ये जानने के लिए भी बेकरार है कि फाइटर कैसी फिल्म है। तो बता दें, इस मूवी का पहला रिव्यू सामने आ गया है, जिसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ आनंद की खूब तारीफ की गई है। 25 जनवरी यानी आज रिलीज हो रही फाइटर साल की बड़े बजट की पहली थिएटरिकल रिलीज फिल्म है। फाइटर का पहला रिव्यू ट्रेड एक्सपर्ट तरुण आदर्श ने एक्स पर शेयर किया है। तरुण ने अपने रिव्यू में फिल्म को 4.5 स्टार देते हुए फाइटर को शानदार फिल्म बताया है। उन्होंने ऋतिक, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ की है। तरुण आदर्श ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, वॉर, पठान और अब फाइटर, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने हैट्रिक बनाई है। एरियल एक्शन, ड्रामा, इमोशन और देशभक्ति, फाइटर एक किंग साइज एंटरटेनर है, जिसमें ऋतिक रोशन का शानदार अभिनय है। बस इसे मिस ना करें। फाइटर रिव्यू, देश रक्षा करने वाले बहादुरों को सच्ची श्रद्धांजलि फाइटर है। तरन ने आगे लिखा, फाइटर एक स्मार्टली बुना हुआ प्रोडक्ट है जो जबरदस्त अंधराष्ट्रवाद से दूर है, फिर भी जैसे जैसे नाटक सामने आता है एक ठोस बयान देता है। अच्छी तरह से तैयार किया गया है, कुछ हैरान कर देने वाले विजुअल्स, एरियल कमबैक पोर्शन, ताली बजाने योग्य डायलॉग्स और एक शानदार दूसरे भाग के साथ फाइटर जो वादा करता है उसे पूरा करता है। एक लार्जर देन लाइफ स्क्रीन एक्सपीरियंस और सबसे जरूरी बात, फाइटर उन बहादुरों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है जो निस्वार्थ रूप से हमारे देश की रक्षा करते हैं। आपको बता दें, फिल्म में ऋतिक और दीपिका की परफॉर्मेंस काफी शानदार बताई जा रही है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए तरुण ने लिखा, बिना किसी शक के ऋतिक रोशन शो स्टॉपर है। वह अविश्वसनीय ईमानदारी के साथ वीरता, संयम और क्रोध प्रदर्शित करते हैं। वह जिस भी सीक्वेंस में दिखाई देते हैं उसके मालिक हैं। हर पल को शानदार अभिनय से जीवंत बनाते हैं। दीपिका पादुकोण टॉप पायदान पर हैं, जो डिमांडिंग पार्ट को बखूबी निभाती हैं। ऑन स्क्रीन जोड़ी ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण फिल्म को एक्स्ट्रा चमक देती है। सपोर्टिंग कास्ट भी परफेक्ट है। उन्होंने फिल्म के सपोर्टिंग कलाकारों को भी तारीफ की। तरुण ने आगे लिखा, अनिल कपूर हमेशा की तरह फ्लॉलेस रहे। कई सीक्वेंस में एक्सेल सपोर्टिंग कास्ट परफेक्ट है। करण सिंह ग्रोवर फर्स्ट रेट के हैं, जबकि अक्षय अब्रॉय अद्भुत है। ऋषभ सामनी प्रतिपक्षी पूरी तरह से खतरनाक दिखाई दिए। बता दें कि फाइटर का रन टाइम 2 घंटे 46 मिनट है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी CBFC ने भी फिल्म को UA सर्टिफिकेशन दिया है। उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग दर्ज करेगी। धन्यवाद जुड़े रही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड केसरी के साथ।